एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, एनएसई वेबसाइट पे ऐसी कई सारे स्टॉक है जो कि एक ही दिन में 10% 15% या तक कि 20% भी रिटर्न दिया है। ऐसे स्टॉक बहुत ज्यादा वोलेटाइल होते हैं जो कि आपको कम समय में बहुत ज्यादा मोमेंटम देने की काबिलियत रखता है, इसलिए इस टाइप की स्टॉक को हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स भी कहा जाता है। तो कैसा हो अगर मैं आपको सिखाऊं कैसे 5 से 10 मिनट एनालिसिस करके ऐसे ही हाई मोमेंटम स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है। जो भी है, मैं हूं गौरव नंदी। आज के वीडियो के अंदर एक नहीं, आपको दो टेक्निकल स्ट्रेटेजी मिलने वाले जिसकी मदद से हम बहुत ही आसानी से बहुत ही सिंपल तरीके से हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स को ढूंढ सकते हैं। हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स यानी कि ऐसी स्टॉक्स जिनकी प्राइस बहुत तेजी से ऊपर भी जा सकता है और नीचे भी गिर सकता है, और आमतौर पे मैक्सिमम केसेस में ऐसे स्टॉक आइदर माइक्रो कैप होता है नहीं तो स्मॉल कैप होता है। इसलिए अगर आप ऐसे स्टॉक्स को ढूंढना चाहते हैं, स्टॉक्स की वोलेटिलिटी लिक्विडिटी और मोमेंटम ये तीन चीज हमें चेक करना होगा ऐसे स्टॉक ढूंढने के लिए। यहाँ पे वोलेटिलिटी से आपको पता चलेगा स्टॉक की फ्लक्चुएशन कैसा है, लिक्विडिटी से आपको पता चलेगा स्टॉक की डिमांड सप्लाई कितना है, इसके अलावा मोमेंटम से आपको पता चलेगा स्टॉक की ट्रेंड क्या है। अभी अगर आप स्टॉक की वोलेटिलिटी लिक्विडिटी और मोमेंटम समझना चाहते हैं तो आपको टेक्निकल एनालिसिस करना होगा, और टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए काफी सारे इंडिकेटर है जिनकी मदद आप ले सकते हैं। लेकिन मैं पर्सनली हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स को ढूंढने के लिए दो इंडिकेटर की मदद लेता हूँ। इनमें से पहला इंडिकेटर है बोलिंजर बैंड और दूसरा है मेरा ऑल टाइम फेवरेट वॉल्यूम। और जैसे कि आज हम एक नहीं दो अलग अलग स्ट्रेटेजी की मदद से स्टॉक ढूंढना सीखेंगे, तो इन दोनों में से आज की पहला स्ट्रेटेजी है बोलिंजर बैंड स्क्वीज। इस वीडियो के अंदर हमने बोलिंजर बैंड के ऊपर शुरू से इनिशियल डिटेल डिस्कशन किया है। अगर आपको बोलिंजर बैंड के बारे में नहीं पता, इसे आप जानना चाहते सीखना चाहते तो आई बटन पे दिया गया वीडियो देखिए। दूसरी साइड पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोलिंजर बैंड ना पता होने पे भी आज की वीडियो आपको समझ आएगा। देखिए बोलिंजर बैंड एक टेक्निकल एनालिसिस टूल है जो कि प्राइस की वोलेटिलिटी और ट्रेंड को मेजरमेंट करता है, और बोलिंजर बैंड्स के अंदर टोटल तीन लाइन होता है। इनमें से पहला है सिंपल मूविंग एवरेज लाइन जो कि बिल्कुल सेंटर में रहता है। इसके अलावा बाकी दो लाइन सेंटर लाइन यानी कि एसएमए लाइन की ऊपर और नीचे रहता है। इन्हें स्टैंडर्ड डेविएशन के हिसाब से प्लॉट किया जाता है, और बोलिंजर बैंड स्क्वीज तब होता है जब प्राइस की वोलेटिलिटी कम हो जाता है, दोनों बैंड्स एक दूसरे के एकदम पास आ जाता है। इसे एक बहुत बड़ा सिग्नल माना जाता है, ऐसा होने पे प्राइस के अंदर बहुत बड़ा एक मोमेंटम आ सकता है। लेकिन खुद से मैनुअली स्क्वीज ढूंढने में आपको काफी दिक्कत आ सकता है। एज ए सॉल्यूशन मेरे पास एक जुगार वेबसाइट है, उस वेबसाइट की मदद से आप इजीली ढूंढ सकते हैं कि कौन सी स्टॉक में स्क्वीज क्रिएट हुआ है। उस वेबसाइट की नाम है topstockresearch.com। अभी सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करके नहीं तो डिस्क्रिप्शन पे दिया गया लिंक के ऊपर क्लिक करके इस वेबसाइट को ओपन कीजिए, देन आपको भी बिल्कुल ऐसा ही एक इंटरफेस मिलेगा। अभी यहाँ पे देखिए टेक्निकल स्क्रीनर नाम से एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए, देन ऐसा ही कुछ ड्रॉप डाउन मेनू मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करना है ओवर लेस के ऊपर। देन इस पेज पे आपको सबसे ऊपर ही बोलिंजर बैंड्स की अलग अलग कंडीशन मिलेगा, या भी इस कंडीशन के ऊपर फोकस कीजिए नैरोइंग ब्रांड। इस कंडीशन के अंदर आपको डेली नाम से क्लिकेबल ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर क्लिक कीजिए एंड बूम। इस प्रोसेस से फिलहाल मुझे जो स्टॉक मिला है फिलहाल उनमें स्क्वीज बन रहा है, तो आप भी सेम प्रोसेस को फॉलो कीजिए स्क्वीज बन रहा है ऐसी स्टॉक को ढूंढने के लिए। अब इस प्रोसेस से आपको जो भी स्टॉक मिलेगा उन सारे स्टॉक को एक एक करके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड कीजिए, उसके बाद एक एक करके हर एक स्टॉक को ओपन करके देखिए कि उनमें बोलिंजर बैंड्स की स्थिति कैसा है। और जैसे कि मेरे लिस्ट की पहला स्टॉक है अदानी एनर्जी सॉल्यूशन, तो मैंने इसकी चार्ट ओपन किया, आप यहाँ पे देख सकते हो स्क्वीज बनना शुरू हो चुका है। लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल, हमें एंट्री कब लेना है? अब एंट्री लेने के लिए हमें कुछ देर तक इस स्टॉक को ट्रैक करना होगा, हमें देखना होगा कब स्टॉक इस क्विज से ब्रेकआउट दे रहा है, और स्टॉक प्राइस इस क्विज को ब्रेक करने के साथ ही साथ हमें एंट्री ले लेना है। और इस ट्रेड के लिए टारगेट आप खुद के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हैं, और एज ए स्टॉप लॉस आप बोलिंजर बैंड की लोअर बैंड की प्राइस पॉइंट को एज ए स्टॉप लॉस कंसीडर कर सकते हैं। अभी अगर आप खुद से मैनुअली ब्रेकआउट को ढूंढना नहीं चाहते तो फिर से topstockresearch.com वेबसाइट पे जाइए, देन यहाँ से स्क्रीनर पे जाइए,
एंड फाइनली यहाँ से नैरोइंग ब्रेकआउट ओपन कीजिए। ऐसा करने पे आपको कुछ स्टॉक की लिस्ट मिलेगा जहाँ पे स्क्वीज होने के बाद ब्रेकआउट हुआ है। अनफॉर्चुनेटली फिलहाल मुझे ऐसी कोई स्टॉक नहीं मिला जहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, तो ऐसे भी सेम चीज कभी कभी आपके साथ भी हो सकते हैं। तो फिर से मैंने और एक दिन 15 मिनट की टाइम फ्रेम में चेक किया, आप देख सकते हो इस बार मुझे 3 ब्रेकआउट स्टॉक मिला है। यहाँ पे मेरा रिकमेंडेशन रहेगा मैनुअली ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस वेबसाइट की फ्री वर्जन में एक्यूरेट टाइम पे ब्रेकआउट नहीं दिखता है, और कभी कभी ये वेबसाइट अनरियलिस्टिक या फिर फेक ब्रेकआउट भी दिखाता है। इसीलिए बेहतर होगा आप खुद से स्टॉक को ट्रैक कीजिए, मैनुअली ब्रेकआउट ढूंढने की कोशिश कीजिए। तो ये था आज का पहला स्ट्रेटेजी। अब आज की सेकंड स्ट्रेटेजी पे जाने से पहले, अगर आपको चाहिए एक सुपर फास्ट जीरो मेंटेनेंस ट्रेडिंग अकाउंट, तो नीचे डिस्क्रिप्शन नहीं तो फास्ट कमेंट पे दिया गया लिंक की मदद से आप चाहे तो धन के साथ फ्री अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इनकी अकाउंट ओपनिंग चार्जेस, अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस, इन्वेस्टमेंट के लिए ब्रोकरेज चार्जेस है कम्प्लीटली जीरो, और ट्रेडिंग के लिए लेता है मैक्सिमम 20 रुपीज ब्रोकरेज चार्जेस, और ट्रेडर के लिए है सुपर फास्ट इंटरफेस, ट्रेडिंग व्यू की एक्सेस भी मिलता है। साथ ही साथ ऑप्शन ट्रेडर के लिए है सेपरेट डेडिकेटेड मोबाइल ऐप। इसके अलावा ऐप के अंदर स्ट्रेटजी नाम से एक ऑप्शन है जहाँ पे रेडीमेड इन्वेस्टमेंट कॉल्स मिलता है, मिड टर्म के लिए, स्विंग ट्रेडिंग के लिए या फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए। जैसे ही कुछ दिन पहले यहाँ से मैंने जमाना ऑटोस की कॉल्स देख के उस स्टॉक के अंदर निवेश किया था, और फिलहाल आप देख सकते हो कि इस स्टॉक से मुझे 7% की आसपास रिटर्न ऑलरेडी मिल चुका है। तो देर किस बात की, आज ही धन के साथ खुद की सुपर फास्ट ट्रेडिंग जर्नी शुरू कीजिए। नीचे डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट पे आपको मिलेगा धन की फ्री अकाउंट ओपनिंग लिंक जो भी है। अब आइए हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक ढूंढने की सेकंड स्ट्रेटजी के ऊपर फोकस करते हैं। आज की सेकंड स्ट्रेटजी की नाम है वॉल्यूम सॉकर्स। वॉल्यूम काफी पावरफुल टेक्निकल एनालिसिस टूल है। वॉल्यूम से हम ट्रेडिंग एक्टिविटी समझ सकते हैं कि कितना शेयर बाय सेल हुआ है, एक्सचेंज हुआ है। वॉल्यूम सॉकर एक सिचुएशन है, अगर सडनली वॉल्यूम बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है तब वॉल्यूम सॉकर की मदद से हम समझ सकते हैं कि स्टॉक्स में डिमांड सप्लाई इंक्रीज हुआ है या फिर इंक्रीज हो रहा है। अगर किसी स्टॉक्स की वॉल्यूम एवरेज वॉल्यूम की तुलना में कई गुना ज्यादा है, इसकी मतलब है उस स्टॉक्स के अंदर वॉल्यूम सॉकर क्रिएट हुआ है। और ऐसी वॉल्यूम सॉकर स्टॉक को ढूंढने के लिए भी हम दूसरी एक वेबसाइट की मदद लेंगे। इस बार इस वेबसाइट की नाम है trendline.com। आपको सिंपली trendline.com इस वेबसाइट को ओपन करना है, और ओपन करने के बाद आपको बिल्कुल सिमिलर इंटरफेस मिलेगा। देन लेफ्ट साइड पे एकदम ऊपर आपको मार्केट नाम से एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर क्लिक कीजिए। देन इस पेज पे आपको बहुत कुछ मिलेगा, यहाँ पे आप थोड़ा सा ही नीचे स्क्रॉल कीजिए। देन यहाँ पे आपको वॉल्यूम सॉकर नाम से ऑप्शन मिलेगा, तो इसके ऊपर क्लिक कीजिए। तो अभी यहाँ पे ऐसे बहुत सारे स्टॉक, लेकिन इन स्टॉक्स के अंदर काफी सारे आलतू फालतू स्टॉक भी शामिल है, तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके निफ्टी 500 सिलेक्ट कीजिए एंड डन। अभी हमारे सामने जो भी स्टॉक है सारे स्टॉक है वॉल्यूम सॉकर स्टॉक्स। अब इन स्टॉक्स के बीच में से स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए हमें दो बातें के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान देना होगा। इनमें से पहली बात है, हम ऐसी स्टॉक को इग्नोर करेंगे जिसकी वॉल्यूम बहुत कम है। जैसे कि इस स्टॉक की वॉल्यूम है 65,000, तो हम ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करेंगे। इसके अलावा दूसरी बात है, हम ऐसे स्टॉक को भी इग्नोर करेंगे जिसकी प्राइस आज गिरा है या फिर नेगेटिव में। जैसे कि आज इस स्टॉक की प्राइस गिरा है, डिक्रीज हुआ है, तो इस जैसे स्टॉक्स को हम इग्नोर करेंगे। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए जिन स्टॉक्स की वॉल्यूम अच्छा है और जिनकी प्राइस आज पॉजिटिव साइड पे है, हम ऐसे स्टॉक्स को एक एक करके वॉच लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे। अभी स्टॉक्स में एंट्री या फिर एग्जिट कैसे लेना है, आइए इनमें से कोई भी एक स्टॉक की मदद से समझते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इनमें से जलंधर मोटर, इसकी वॉल्यूम भी अच्छा है और इसकी शेयर प्राइस आज पॉजिटिव साइड पे है, तो एग्जांपल के लिए मैंने इसी स्टॉक को चूज किया और मैंने ओपन किया इस स्टॉक की चार्ट। अभी आप टारगेट एंड स्टॉप लॉस खुद की रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि मैं पर्सनली 1:2 रिस्क रिवॉर्ड रेशियो प्रेफर करता हूँ, यानी कि अगर टारगेट है 10% तो हम 5% पे स्टॉप लॉस रखते हैं। इसके अलावा अगर आप टेक्निकली चार्ट के हिसाब से स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखना चाहिए प्रीवियस कैंडल की लो पे। जैसे कि इस एग्जांपल की केस में हम स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल की नीचे, यानी कि हमारा स्टॉप लॉस होगा 115 रुपया पे, और टारगेट आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये दो मेथड के अलावा
ब्लॉक डील और बल्क डील की डेटा की मदद से भी काफी एक्यूरेसी के साथ शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग किया जा सकता है। अभी अगर आप इन नया मेथड के ऊपर, इन नया स्ट्रेटजी के ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप इन नया स्ट्रेटजी को सीखना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट कीजिए #blockdeal या फिर #bulkdeal। जितना ज्यादा आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिलेगा उतना ही जल्दी वीडियो भी आपको मिलेगा। तो जो भी है, इस वीडियो की मदद से मैंने शेयर किया मैं पर्सनली कैसे हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टॉक्स को ढूंढता हूँ, और इस तरह की स्टॉक्स के अंदर निवेश करने के दौरान जैसे कि मैं कंपनी के बिजनेस मॉडल फाइनेंशियल वैल्यूएशन कुछ भी चेक नहीं करता हूँ। इसीलिए ऐसी स्टॉक्स को बाय करने के बाद हमें स्ट्रिक्टली ट्रेडिंग रूल्स को फॉलो करना चाहिए, यानी कि प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट, और अगर बाय चांस हमें लॉस होता है तो लॉस बुकिंग करके हमें ट्रेड से बाहर भी आना है। इस प्रोसेस से कभी भी हमें किसी भी कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और इन मेथड से एक्चुअल ट्रेडिंग करने से पहले बैक टेस्टिंग कीजिए, डेमो पेपर ट्रेडिंग कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और याद रखना, आज की वीडियो केवल स्टडी पर्पस के लिए, ये किसी भी तरह की डायरेक्ट बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। किसी भी जगह पे इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग करने से पहले कुछ स्टडी कीजिए, रिसर्च कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपका कोई फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे भी आप सलाह ले सकते हैं। जो भी है, थैंक यू दिल से, हम मिलेंगे फिर से। कीप गोइंग, कीप ग्रोइंग।